हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि अगर आप आधार कार्ड बनवाए हैं और चाहते हैं कि पीवीसी कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड जैसा अगर आधार कार्ड आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो आप कैसे मंगा सकते हैं, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ आज बारीकी से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप आधार कार्ड को अपने घर पर मंगा सकते हैं। जैसा कि एटीएम कार्ड होता है और पैन कार्ड होता है, उस तरह का एकदम आधार कार्ड बन करके आपके घर तक डिलीवर होकर के आएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू से लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए देने के तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आपको यहाँ थ्री लाइन्स जो ये दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट्स, इस पर क्लिक करके सिंपली अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्टर्ब मोड कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। मेरा डिस्टर्ब मोड है तो मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा UIDAI.gov.in तो आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा इस तरह से, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आ जाइएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पर आने के बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए इसमें मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है गेट योर आधार कार्ड, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ आना है आपको और यहाँ पर आपको यहाँ अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। और ये वाला जो कैप्चर है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाला कैप्चर को आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद कैप्चर डालने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड के साथ तो यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं यहाँ लिंक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अगर मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर एक डाल देना है। और उस मोबाइल नंबर पर डालने के बाद यहाँ जैसे सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर तो मैं यहाँ पे टिक नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर अपना डाल रहा हूँ और यहाँ पे अपना ये कैप्चर डाल रहा हूँ अपना पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दिया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना कैप्चर भी मैं यहाँ फिलअप कर दिया हूँ, ठीक है। और मेरा यहाँ पे जैसा कि मेरा यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से ही है तो मैं यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूँगा माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पे। सिंपली मैं यहाँ सेंड OTP पे जो यहाँ देख रहे हैं आप, सेंड OTP सिंपली इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल। तो मेरे मोबाइल पे जो आया है OTP, उस OTP को सिंपली मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग वेट कर लेते हैं कि मेरे मोबाइल पे OTP आया है या नहीं। यहाँ पे मेरे मोबाइल पे OTP आ चुका है, यहाँ पे 6 डिजिट का, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उस OTP को, ठीक है। मेरे मोबाइल पे यहाँ पे जो OTP आया है मैं उस OTP को यहाँ पे डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं 40 23 78। और इस OTP को डालने के बाद सिंपली यहाँ पे ये जो दिया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, सबमिट वाला ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा जो भी बायोडाटा है डिटेल्स में यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और यहाँ पे जेंडर आपका आ जाएगा, यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, एक में है मेक पेमेंट एंड एक दो में है कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एक नंबर पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है और दो नंबर नेट बैंकिंग से, ठीक है, और तीन नंबर में UPI से, जो भी UPI चलाते हैं आप उससे पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं डेबिट कार्ड से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो एक नंबर पर मैं क्लिक करता हूँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे जो भी कार्ड नंबर आता है यहाँ पे एक नंबर कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो उसका रहता है मंथ या ईयर उसको यहाँ पे आपको डाल देना है, और यहाँ पे आपको इंटर CVV नंबर जो होता है उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर इंटर नेम एज ऑन कार्ड जो यहाँ लिखा हुआ है सिंपली इस पर आपको
नाम डाल देना है, जो भी आपका एटीएम कार्ड पे नाम है या जिस अकाउंट जिनका एटीएम कार्ड सेव कर रहे हैं अकाउंट होल्डर का नाम जो है वो उस नाम को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे। ठीक है, जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक में जो आपका लिंक होगा आधार मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जैसे आप वहाँ वेरीफाई कीजिएगा डालकर ओटीपी को, तो आपका यहाँ पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और पेमेंट आपका 50 रुपये कट जाएगा आपके अकाउंट से, और आपके घर पे स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका जो पीवीसी कार्ड है वो आपके डिलीवर आ जाएगा घर पे आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप घर पे अपना आधार कार्ड मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करके पीवीसी कार्ड। ठीक है, यही छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे बताया हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है।